तो यानी कि 2014 में इस मूर्ति को स्टार्ट किया गया था। उस टाइम उसकी एज 22 साल थी जब उसने मूर्ति स्टार्ट की थी बनानी। तो ये था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अगर इस मूर्ति का जो साइज है वो 56 फीट है। इस स्टैचू को बनाने में तकरीबन 6 साल का समय लगा। गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं योगेंद्र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सोलो जर्नी। एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। मैं आ चुका हूं, आपको पता है मेरा साउथ इंडिया ट्रिप चला हुआ है और मैं केरला में के तिरुवनंतपुरम में हूं। मेरा आपने लास्ट वीडियो भी देखा होगा, तिरुवनंतपुरम में मैंने ये टेम्पल कवर किया था। लेकिन अभी मैं एक और शिव टेम्पल में आ चुका हूँ, तो वहाँ का भी मैं आपको नज़ारा दिखाऊँगा, टेम्पल के अंदर भी लेके चलूँगा। उससे पहले मैंने सोचा आपको कुछ ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं इस टेम्पल के पास में, पहले वो दिखा देता हूँ, के बाद मैं आपको टेम्पल के अंदर भी लेके जाऊँगा। सो पिछला वीडियो मेरा पद्मस्वामी टेम्पल का था जो आपने देखा। सो ये है अजीमाला शिव टेम्पल और ये अर्बन सी के पास है। एक बार मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ और बता देता हूँ, मैं यहाँ पे जो आया हूँ मैं बस के थ्रू आया हूँ और बस का जो टिकट फेयर पड़ा था वो मुझे टिकट प्राइस था पर पर्सन वो 33 रुपीज़ पड़ा था, जो पद्मस्वामी टेम्पल था वहाँ से अजीमाला शिव टेम्पल तक का। और तकरीबन 1 घंटे की राइड रही थी और उसके बाद मैं यहाँ पे टेम्पल पे अभी पहुँचा हूँ। टेम्पल पे पहुँच के जस्ट 5 से 10 मिनट मैंने रिलैक्स किया और फिर मैंने वीडियो कंटिन्यू कर दिया। सोचा आपको ये बेस्ट व्यू क्यों ना दिया जाए। टेम्पल में तो ओबियसली हम जाएंगे बट टेम्पल के साथ आपको एक खूबसूरत नज़ारा मैं और दे देता हूँ। सो मैं एक बार एक आपको व्यू दे देता हूँ इधर का। ये वो रास्ता है जिससे मैं अभी बैक साइड से नीचे आया हूँ और नीचे आने के बाद ये कोकोनट ट्रीज, काफ़ी नारियल के पेड़ और इसके बाद ये पूरा अरबियन सी है। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है दोस्तों। इधर ये मंदिर का व्यू है वो मैं आपको बाद में दूंगा बट मैंने सोचा मैं सबसे पहले आपको यहाँ ले चलता हूँ। और इस का टिकट प्राइस में भी आपको कंफर्म करूँगा क्या टिकट प्राइस है इसका, एंट्री फीस कितनी है और बाकी डिटेल्स भी मैं इसके बारे में जितना हिस्ट्री मुझे पता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स गो दोस्तों, मैंने बस ये व्यू देने के लिए आप इधर में आया था। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। सो इधर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है पीछे से लेके और यहाँ तक। सो ये ऊपर का रास्ता है जिधर से मैं अभी आया था, बस के बाद मुझे वॉक करना पड़ा तकरीबन 5 to 10 मिनट्स और उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ टेम्पल की तरफ। वो काउंटर है सामने, मैं एक बार टिकट का प्राइस आप कंफर्म करता हूँ और मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ यहाँ पे क्या टिकट प्राइस है क्या नहीं। चेंज चेंज छोटा, थैंक यू सर। सो टिकट मैंने ले लिया, 20 रुपीज़ का एंट्री टिकट है, ये आपको नज़र आ रहा है। एक बार व्यू आपको दिखा देता हूँ इधर से भी, ये देखिए बीच, वाव लहरें काफी सुंदर लग रही है इधर से। ये था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अगर आपको अच्छी लगी ये स्टेचू जहाँ मैं ले गया हूँ भगवान शिव की, तो प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहा है ओम नमः शिवाय जरूर लिखना कमेंट में। इधर देखिए मंथन का भी इन्होंने दिया हुआ है, जो समुन्द्र में मंथन हुआ था ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। सो अभी धूप है, आपको शायद क्लियर ना आ रहा हो, थोड़ी देर बाद आपको क्लियर आ जाएगी नज़ारा यहाँ से। काफ़ी सुंदर स्टेचू है, मूर्ति है भगवान शिव की और जस्ट इसके पास में बीच। सो लेट्स गो एक बार और बाकी नीचे की साइड चलते हैं और आपको वहाँ से भी मैं नज़ारा देता हूँ यहाँ का। सो यार नीचे बाद में जाया जाएगा, जो रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ उसका रास्ता दूसरा, और टिकट मैंने ऑलरेडी ले लिया। जब एग्जिट टाइम होगा जब जाके मैं उधर से आपको व्यू दूंगा इस जगह का।
बेसिकली इसको बोला जाता है आजीमाला शिव टेम्पल, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप बस टैक्सी वगैरह के थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं, जिसका प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 33 रुपीज़ बस का प्राइस था, जो फेयर था जिसने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया है। सो ये मंदिर काफ़ी सुंदर है यार देखने में, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और ये शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा है जो कि अरबियन सी के पास बनी हुई है। इस मूर्ति का जो साइज है वो 56 फीट है, 56 फीट ऊंची ये मूर्ति है, और इस मूर्ति को जो मूर्ति का निर्माण किया था देवाथन ने, इस मूर्ति का निर्माण किया था। जब इस मूर्ति का निर्माण हुआ तो जब उनके एज स्टार्ट किया, जब उनकी उम्र 22 साल थी और कंप्लीट होते होते उनकी एज थी वो 29th ईयर हो चुकी थी। इस स्टैचू को बनाने में तकरीबन 6 साल का समय लगा, और इसको बनाने से पहले इस पर काफ़ी रिसर्च किया गया था, क्योंकि ये मूर्ति एक चट्टान पे बनाई गई है, और ये कंकरीट सीमेंट के थ्रू मूर्ति बनाई गई है, बट उसमें एक ऐसा केमिकल यूज़ किया गया जिससे कि ये सी के यानी कि समुंदर के पास मूर्ति बनने के बावजूद भी इस पर उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। सो दोस्तों जो ये मूर्ति है आप देख रहे हैं, ये 35,000 स्क्वेयर फीट में फैली हुई है, 35,000 स्क्वेयर फुट के अंदर ये मूर्ति बनी हुई है, और इस मूर्ति को बनाने में जैसे मैंने अभी भी बताया आपको 6 साल का लंबा समय लगा था जब जाके ये मूर्ति क्रिएट हुई है। और इस मूर्ति को से दूसरा नाम भी दिया, गंगेश्वर करके इस मूर्ति का दूसरा नाम है जो इसको दिया। इस मंदिर का जो खुलने का समय है वो 5:30 से सुबह 9 बजे तक, और शाम को 4:30 बजे से रात को 8 बजे तक आप इस जगह पे विजिट कर सकते हैं। 20 रुपये की एंट्री टिकट है, वो एंट्री टिकट करने के बाद इसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं, और इस खूबसूरत शिव मूर्ति का आप नज़ारा ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इस टेम्पल में एक वार्षिक उत्सव जिसको आप फेस्टिवल बताते हैं, जनवरी और फरवरी में सेलिब्रेट होता है, और उस फेस्टिवल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ एक बार, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के टाइम पे यहाँ पे नींबू के ऊपर उसके घी के दिए जलाए जाते हैं जो कि समुद्र किनारे रखे जाते हैं, उसके बाद काफ़ी सुंदर माहौल हो जाता है यार उस टाइम जनवरी और फरवरी में यहाँ पर। तो कोशिश करो अगर आपको विजिट कर रहा है तो फेस्टिवल सीजन में करें, टाइम पे करें, तो और भी ज़्यादा आप इंजॉय कर पाएंगे यहाँ पे। सो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और आप सच में शिव भगवान से प्यार करते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, और मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी है solojourney07, जहाँ आपको मुझे लेटेस्ट फोटो और मेरे लेटेस्ट ट्रैवल जर्नी के बारे में पता लगेगा मैं करंटली कहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। सो मैं एक बार आपको दोस्तों स्टैचू का 360 व्यू दे देता हूँ, 360 नहीं सॉरी 3 साइड का व्यू दे पाऊँगा क्योंकि एक साइड अलाउड नहीं है, उसके बाद चलते हैं इधर से। ये चट्टान पे बनी हुई है, काफी ह्यूज है या काफी बड़ी है, शायद कैमरा जस्टिफाई ना कर पाए इसको। और इधर से पूरा अरबियन सी, उसको चलते हैं मंदिर से। टेम्पल से बाहर आ गया हूँ यार, तिलक वगैरह लगा लिया, कुछ जगह कैमरा अलाउड नहीं था तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैं एक बार इधर से फिर दिखा देता हूँ ये टेम्पल, इसके जस्ट नीचे का व्यू है ये, और कितनी सुंदर जगह है यार, वाओ अमेजिंग, देखिए कितना प्यारा है यार। ये पूरा अरबियन सी है, और इधर ये शिव टेम्पल, धूप की वजह से शायद आपको ना दिखे बट अमेजिंग यार, अमेजिंग व्यू है गाइस, सीरियसली आपको वर्थ इट है इधर आना। और मैं स्टैचू के बारे में बता रहा था यार, मेरे को सोच के हैरानी हो रही है, 22 साल का लड़का
और कितनी प्यारी इसने शिव भगवान की मूर्ति है वो बनाई है यार। इसको 6 साल लगे हैं इसको कंप्लीट होने में, और ये जो मूर्ति बनी 2020 दिसंबर 31 तारीख को ओपन कर दी थी आम लोगों के लिए, तो यानी कि 2014 में इस मूर्ति को स्टार्ट किया गया था। उस टाइम उसकी एज 22 साल थी जब उसने मूर्ति स्टार्ट की थी बनानी। सो वाओ यार, अमेजिंग, बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत ज्यादा सुंदर। देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। सो देखिए दोस्तों कितनी प्यारी वेव्स आ रही हैं अभी तक। मुझे आधा घंटा हो गया यहाँ पे बैठे हुए, और जब से मैं सिर्फ यही लोकेशन है इसी पे एक ही जगह फिक्स बैठा हुआ हूँ और यही देख रहा हूँ सिर्फ, और कोई कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। क्योंकि रात को अगेन मेरी देखता हूँ मैं बस लूँगा या फिर मैं ट्रेन लेकर और मैं कन्याकुमारी के लिए निकलूँगा आज। सो ऐसा कुछ नज़ारा है आप देखिए दोस्तों। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं इस खूबसूरत सी जगह पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी है मेरा solojourney07, वहाँ पे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे कि मैं लेटेस्ट कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ और लेटेस्ट फोटो वगैरह। और मुझे फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक आईडी है solojourney। सो बाय गाइज, मिलते हैं आपको एक और नई डेस्टिनेशन पे, जब तक के लिए बाय गाइज। टाइम है मॉर्निंग का, 1 बज चुका और मैं पहुंच चुका हूं कन्याकुमारी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। चलो आज कैंपिंग करते हैं। सो नाइट में मैंने अपना टेंट लगाया हुआ है, सो मैं आपको दिखा देता हूं लोकेशन और टेंट। ये देखिए सोते हैं और कल कन्याकुमारी पे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मॉर्निंग में कोई होटल लेंगे अच्छा सा,